नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे ही दिसंबर का महीना समाप्त होने वाला होता है और जनवरी का महीना आने वाला होता है, हम सभी को ये लगता है या हम सभी लोग इस बात को जानने का उत्सुक होते हैं, जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि हमारा आने वाला जो साल है, हमारा आने वाला जो वर्ष है, वो हमारे लिए कैसा रहेगा। खुशियाँ लेकर आएगा या कुछ परेशानियाँ लेकर आएगा। अगर खुशियाँ लेकर आने वाला है तो कौन कौन सी खुशियाँ, या कब कब वो ऐसा समय होगा जब हमको कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है, कौन सा ऐसा ख़राब समय होगा जिसको हमें अच्छे से उसको बिताना है, इन सभी चीज़ों की जानने की हमारी लालसा होती है, हमारी इच्छा होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक वीडियो की श्रृंखला आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें टोटल मैं 12 वीडियो आपको देने वाला हूँ। उस 12 वीडियो में आपको 12 राशियों के बारे में पूरा संपूर्ण हाल जो है, यानी साल भर आपका कैसा बीतेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते कि आपका साल कैसा रहेगा, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये 12 वीडियो की श्रृंखला है। इस वीडियो में, यानी जो आज का वीडियो है, इसमें मैं केवल एक ही राशि के बारे में बताऊंगा। आगे आने वाले मेरे जो वीडियो होंगे, उसमें बाकी राशियों के बारे में आपको बताऊंगा। मैंने अभी तक 7 वीडियो आपको दे चुका हूं। 7 वीडियो में मैं पहली 7 राशियां जो होती है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, इनके बारे में आपको बता चुका हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष अपने कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानी महसूस करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र बदलने का भी विचार बना सकते हैं। यानी कि आपके जो कार्य क्षेत्र जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पे कुछ परेशानी का आप सामना करेंगे और उस परेशानी की वजह से आप हो सकता है कि अपना कार्य क्षेत्र बदलने का भी मन बना लें। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इस वर्ष आपको प्रमोशन मिलने के पूरे पूरे संयोग हैं। इस वर्ष नए कॉन्ट्रैक्ट या सेवा शर्तों में नए ढंग से कार्य करने का मौका मिल सकता है। वर्ष के मध्य में कुछ संघर्षपूर्ण स्थिति का भी संकेत है, मतलब मिड ईयर में हो सकता है कि किसी प्रकार की आपको संघर्ष करना पड़े, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। वर्ष के उत्तरार्ध में व्यावसायिक मामलों में महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित होने का भी योग है। आपको गृह नगर के बाहर जाकर अपना भाग्य आजमाने का भी अवसर मिल सकता है। यानी जहाँ पर आप काम, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, उसके अलावा किसी और शहर में जाकर आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। उद्योग में मशीनरी की टूट फूट के कारण व्यय भार का में वृद्धि हो सकती है। हो सकता है कि अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो या आपकी खुद की फैक्ट्री है, तो वहाँ पे उस जो उपकरण है उसके में टूट फूट के कारण आपको अतिरिक्त धन खर्च आपका हो सकता है। भवन निर्माण में सफलता प्राप्त होगी, परंतु व्यय भार क्षमता से अधिक बढ़ेगा, यानी व्यय ज़्यादा होगा, कमाई इसमें कम होगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य आदि होने का भी योग है। घर का कोई सदस्य यदि काम धंधे में के कारण बाहर है, तो उसकी घर वापसी हो सकती है। यानी बहुत दिनों से कोई इंसान, अगर आपका परिवार का कोई सदस्य बाहर है, तो वो वापस अपने घर आ सकता है। परिवार के साथ यात्रा प्रवास आनंददायक एवं स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्थानांतरण योग बन रहा है, यानी आपका कहीं पर ट्रांसफर हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। यद्यपि मार्च के मध्य कुछ बाधक स्थितियाँ पैदा हो सकती है, यानी आपको ध्यान रखना है कि मार्च के महीने में कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है जहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। यदि आप सेवानिवृत्त हैं, तो कुछ नया करने का विचार मन में बार बार उठेगा। कृषि कार्यों में परिवार के सहयोग से सफलता मिलेगी। यदि आप राजनीतिज्ञ हैं, तो इस वर्ष कड़ी मेहनत करना पड़ेगी, तभी सफलता संभव है। अगर ये सब आप चाहते हैं, तो हनुमान जी की आराधना करें, गणेश जी की पूजन करें। हाथ में मूंगा धारण करना एवं फलदार वृक्ष का रोपण करना आपके लिए लाभदायक होगा।